तो आज हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं एक मूवी पोस्टर, और इस वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं जिसमें फ़ोटो मैनिपुलेशन, कलर करेक्शन, हाईलाइट, शेडो और बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ऑलराइट, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ फोटोशॉप में, और जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास ये एक इमेज है जो कि मैंने ऑलरेडी मास्क आउट करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया है। और जल्दी से मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए सिंपली इसका साइज दे, इसका विड्थ दे देते हैं 2000 बाय 3000, और रेजोल्यूशन 150, और एक न्यू डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक और थोड़े से मैंने कलर पैलेट जो कि colors.co से मैंने ले रखे थे यहाँ पे मैंने लिए, जो कि मैं अभी यूज़ करूँगा ग्लो वगैरह के लिए। तो ये मैंने लेके यहाँ पे अपने स्वाचेज में ऐड कर रखा है। और जल्दी से मैं यहाँ पे एक सॉलिड लेयर ले लेता हूँ और इसमें ये वाला कलर डाल देता हूँ। तो ये मैंने सॉलिड कलर ले लिया, और जल्दी से हम पहले हम इमेज सारी प्लेस कर लेते हैं, उसके बाद हम कलर करेक्शन करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये इमेज ले लेता हूँ जिसमें से मेरे को लगता है ये वाला बेस वाला पार्ट सही रहेगा। तो इसके लिए मैं क्विक सिलेक्शन ले रहा हूँ और जस्ट रफली इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे इसको मास्क क्रिएट कर लेता हूँ और इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके ले आता हूँ डॉक्यूमेंट पे, और मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और यहाँ नीचे प्लेस कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ऑलराइट, और अब मैं ये सब्जेक्ट ले आता हूँ और इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और मैं यहाँ कहीं इसको प्लेस कर लेता हूँ। जस्ट रॉ अभी कर रहा हूँ सारा कुछ, एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, सारी इमेजेस को कंपोजिट करके क्रिएट कर लेते हैं, इसके बाद हम कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शंस वगैरह करेंगे। अब इसके बाद मुझे लगता है थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में और चाहिए, तो मैं ये मेरे पास ये एक स्काई रॉक की एक इमेज है और इसमें से भी मैं रॉक वाला पार्ट ले लेता हूँ सिंपली वही क्विक सिलेक्शन से, मैं जस्ट रफली सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसको भी मैं मास्क क्रिएट कर लेता हूँ और इस इमेज को मैं ले जाता हूँ पीछे और ट्राई करूँगा इसको फ्लिप करके थोड़ा सा इस तरह से इसको प्लेस करने की, और इसी को ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी मैं फ्लिप कर लेता हूँ कुछ इस तरह, और मैं इसको फिर नीचे जाता हूँ। ओके, तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। अभी पीछे क्लाउड डाल देते हैं, स्काई का कोई इमेज डाल देते हैं। तो मेरे पास ये एक स्काई की इमेज मेरे को मिली जो कि मुझे लगता है ठीक है, और अभी मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे पहले एक मास्क क्रिएट कर लेता हूँ और इसको ल्यूमिनेसिटी कर लेता हूँ ब्लेंडिंग मोड, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मास्क क्रिएट कर लेता हूँ जस्ट ऐसे फेड आउट कर लेता हूँ, और मैं इसको ले जाता हूँ ऊपर। थोड़ा सा फ्लो कम करके मैं इसको फेड आउट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और सेम इसको ऑल्ट प्रेस करके कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको फ्लिप कर लूँगा हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और फेड आउट कर लेता हूँ। तो मैं ये कर चुका हूँ, मेरे को लगता है क्लाउड ठीक है इतना भी, अभी काफ़ी चीज़ें हमें और ऐड करनी है इसमें। और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ थोड़े से फाइटर जेट्स डाल देते हैं। तो मेरे पास ये एक इमेज मेरे को मिली और इसको मैं मास्क आउट करना है, इसके तो बहुत तरीके हैं वाइट बैकग्राउंड है करने का। तो मैं यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कलर रेंज और ये वाइट वाला पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा फजीनेस को प्ले करके तो मैं ओके कर लेता हूँ, और ऑल्ट को प्रेस करके यहाँ पर एक लेयर मास्क क्रिएट कर लेता हूँ इसको, मुझे लगता है ये ठीक हो गया। और इसको मेरे को करना है थोड़ा छोटा,
क्योंकि मुझे बैकग्राउंड में दिखाना है जस्ट कुछ डिटेलिंग ऐड करने के लिए, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक और कॉपी इसका क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह से। और अभी मैं ये तीनों को ग्रुप कर लेता हूँ और इसको फ्लिप कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। बढ़िया, तो ये हम कर चुके हैं यहाँ पे। और अभी मेरे को लगता है कि फिलहाल के लिए ये ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डालता हूँ सन, मेरे को एक सन की इमेज डालनी है, लेकिन मेरे को सन की इमेज मिली नहीं, तो मैं ट्राई करें मैंने सर्कल से बना के देखेंगे, जस्ट ऐसे ही देखते हैं। डाल देता हूँ और इसमें मैं ब्लेंडिंग मोड पे जाके आउटर ग्लो ट्राई करूँगा कुछ इस तरह से। और इसमें मैंने इसको स्क्रीन कर दिया, यहाँ से मैं स्प्रेडनेस को थोड़ा सा कर सकता हूँ, साइज कुछ मैंने इतना बड़ा कर दिया, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अभी मैं फिल्टर ब्लर गॉशन ब्लर और इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं, इसको अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पर भी मैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करूँगा ऊपर भी, तो इसका मैं कर देता हूँ कुछ स्क्रीन। तो अभी भी ग्लो उतना नहीं बना जितना मुझे चाहिए, पहले तो इसको छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ऊपर टाइटल लिखने के लिए जगह छोड़ दे रहा हूँ। और तो फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने एक ये फ्लेयर ले लिया, जो कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है एक वीडियो में फ्लेयर का पूरा पैक, तो मैं उसको स्क्रीन कर लेता हूँ। और ये मेरे को लगता है कि ठीक हो गया थोड़ा बहुत, अभी हम मार्जिन एडजस्ट करते रहेंगे। ओके, तो यहाँ तक तो हो चुका है, अब बारी है कलर करेक्शन की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ध्यान से करनी है हमको। सबसे पहले इसको जो बैकग्राउंड जो बेस है नीचे ये, इसको हम थोड़ा सा करते हैं डार्क। उसके लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर पे जा रहा हूँ, एक्सपोजर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको छोटे से आइकन पे क्लिक करके इसको क्लिपिंग मास्क कर लेता हूँ, तो ये इसी पे ही क्लिप होगा। और मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, क्योंकि मैं इतना ब्राइट नहीं होना चाहिए जितना मुझे लगता है। ओके, ये हम कर चुके हैं। और अभी क्या करूँगा, मैं एक और एक्सपोजर लेयर ले रहा हूँ, इसको मैं रियली डार्क कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल आई से इन्वर्ट कर लेता हूँ जो मास्क हमने बनाया है। यहाँ मैं ब्रश ले रहा हूँ, ब्रश को छोटा कर रहा हूँ और ये कुछ इस तरह से इसको कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं फोरग्राउंड का कलर वाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ सिंपली डी प्रेस करूँगा और मैं इसको यहाँ पे पेंट करना शुरू करूँ। फ्लो मैंने 30-35 के आसपास रखा हुआ। और मैं यहाँ से इसका माउंट कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। अभी ये शेडो और फिक्स करूँगा मैं, जस्ट ऐसे डाल दिया अभी तो मैंने। सबसे पहले हम ये बैकग्राउंड वाली लेयर पे करते हैं। तो ये जो पहला जो स्टोन रॉक की इमेज है, इसको मैं थोड़ा सा कलर्स हटा रहा हूँ, उसके कलर्स मेरे को हटाने हैं और उसको डार्क करना है। तो सबसे पहले मैं इमेज पर जा रहा हूँ, लेयर को सेलेक्ट करके एडजस्टमेंट पर लेके जा रहा हूँ, यहाँ वाइब्रेंस पर सेलेक्ट करूँगा, वाइब्रेंस पर थोड़ा सा इसको मैं कुछ इस तरह से इसके कलर्स में हटा देता हूँ और थोड़ा सा सैचुरेशन भी मैं कम कर देता हूँ। ओके, और सिमिलरली फिर से उसी इमेज पर जा रहा हूँ, एडजस्टमेंट लेयर पर जा रहा हूँ, यहाँ मैं ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर रहा हूँ, कि ये भी डार्क होने चाहिए। कॉन्ट्रास्ट को मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से थोड़ा। अब सिमिलरली इस वाली लेयर पे भी मेरे को करना पड़ेगा, जो सेकंड वाली लेयर है, और मेरे को लगता है ये अभी डार्क नहीं हुआ है, अभी हम इसको और डार्क करेंगे। लेकिन ये जो स्मार्ट फिल्टर जो हमने इस पर लगाए हैं, सिमिलरली मैं इस पर भी कॉपी करनी है, तो मैं इसको सिंपली ऑल्ट प्रेस करके स्मार्ट फिल्टर वाली लेयर को कॉपी कर रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके इसके ऊपर ले आता हूँ, तो ये भी डार्क हो जाएगा दूसरा लेयर भी। और अभी मेरे को इनको करना है ब्लर, तो ब्लर मैं कर रहा हूँ फिल्टर ब्लर गैलरी
फील्ड ब्लड, और फील्ड ब्लड पे मेरे को लगता है थोड़ा सा ये अमाउंट ठीक रहेगा 20 पिक्सल्स के आसपास, क्योंकि पीछे की चीज़ें ऑब्वियसली ये ब्लर होंगी काफ़ी अगर कोई ऐसा शॉट अगर हम लेंगे, और यही ये ब्लर गैलरी भी मैं इसके ऊपर सेम कॉपी कर लेता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके इसके ऊपर ले आऊँगा कॉपी हो जाएगा। ओके, अब भी मेरे को क्या करना है, इन दोनों लेयर के ऊपर, इन दोनों को पहले मैं ग्रुप कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं फिर से एक सॉलिड कलर ले रहा हूँ, और सॉलिड कलर में कोई भी कलर जस्ट ऐसे ही ले लेता हूँ मैं, मेरे को लगता है ये ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको ब्लेंडिंग मोड को लीनियर लाइट कर रहा हूँ, मास्क पे जा रहा हूँ, कंट्रोल आई प्रेस करके इन्वर्ट कर लेता हूँ। फिर से मैं ब्रश पे जा रहा हूँ, ब्रश पे जा रहा हूँ, और ब्रश के जो मेरा कलेक्शन है यहाँ पर मेरे पास कुछ फॉग ब्रशेज हैं, ये ब्रशेज मैं आपको दे दूँगा, आपको अगर चाहिए तो यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, उसमें सारे ये जस्ट फॉग हेज बना देते हैं, और फ्लो को मैं अच्छा खासा कम कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत हल्का हल्का सा इसमें बस हेजनेस चाहिए। और मैं इसको जस्ट ऐसे कुछ इस तरह से कर देता हूँ, अगर अभी ज़्यादा मेरे को कुछ डार्क लग रहा है तो मैं कलर यहाँ पे ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये ऐसा लगेगा कि थोड़ा डिस्टेंस में है, बहुत दूर है, इसलिए पीछे की चीज़ें हमने ब्लर करी हैं। ऑलराइट, अभी सिमिलरली इन जो हमारे फाइटर जेट्स हैं इनको भी मैं ब्लर कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं गॉजन ब्लर यूज़ कर लेता हूँ, ब्लर गॉजन ब्लर, और ये तो बहुत ज़्यादा ब्लर हो गए, डिटेल बस होने चाहिए थोड़े से, तो मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। और सिमिलरली मैं कॉपी कर लेता हूँ इनके ऊपर भी स्मार्ट फिल्टर को, तो ये तीनों पे आ गया। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो सन सन का फ्लेयर वाला लाइट हमने बनाया था इसके ऊपर मैं फिर से एक सॉलिड कलर ले रहा हूँ, और इस बार सॉलिड कलर थोड़ा सा ब्राइट वाला लेता हूँ, और इसको मैं लीनियर डोज कर देता हूँ तो बिल्कुल ही वाइट हो जाएगा। इसको इन्वर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ ब्रश लेके, और ब्रश में सॉफ्ट ब्राउन ब्रश ले रहा हूँ जनरल वाला, और ओपेसिटी को फ्लो को हम करीब 5% कर लेते हैं, और हल्का हल्का यहाँ पे ग्लो बनाना शुरू कर देते हैं, ये एक ग्लो बन जाएगा। ये मैं इस सन के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि हमारा एक लाइट का सोर्स भी हो जाएगा जिसे हम हाइलाइट्स वगैरह बना पाएंगे। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये सोल्जर वाली लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा कलर करेक्शन करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस लेयर को सेलेक्ट किया, फिल्टर पे गया, कैमरा रॉ फिल्टर में मैं आ चुका हूँ, तो कुछ ऐसा आएगा खुल के हमारे पास। तो मैं इसको पहले जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, और ये बेसिक्स पे गया, टेम्परेचर और टिंट मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, एक्सपोजर भी नहीं छेड़ रहा हूँ क्योंकि लाइटनेस अच्छी है इसकी, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हाई लाइट्स इसमें थोड़ी सी कम कर रहा हूँ मैं, शेडोज बढ़ा रहा हूँ कि जिससे बाकी की जो चीज़ें हैं वो दिखें। वैसे शेडोज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे डार्क ही होने वाला है, आप अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं कि जैसा आपको ज़रूरत हो। यहाँ टेक्सचर प्लस क्लैरिटी इन दोनों को मैं बढ़ा रहा हूँ, और इसी के साथ यहाँ डिटेल पे आके यहाँ नॉइस रिडक्शन इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, जिससे देखेंगे आप ये स्मूथ हो जाएगा बहुत अच्छा खासा। जब मैं इसको ऐसे करूँ तो ये कुछ ऐसे, और नॉइस रिडक्शन जैसे करता हूँ ये अच्छा सा स्मूथ हो जाएगा, थोड़ा सा कलर रिड्यूस भी कर देते हैं इसमें से, और ये अपना अच्छा खासा इमेज का कलेक्शन हो गया मेरे को लगता है, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके, तो ये हो चुका, अब हम इस पर शेडो डालते हैं। तो मैं इस गियर पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं फिर से एक एक्सपोजर ले ले रहा हूँ, इसको मैं क्लिप कर रहा हूँ शोल्डर के लिए तक, और मैं इसको डार्क कर लेता हूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ पे गामा करेक्शंस भी कम कर लेता हूँ। ओके, तो ये डार्क हो गया, वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि लाइट पीछे से आ रही है, तो आगे आपका जो फेसिंग है वो तो डार्क ही होगा, एजिस पे सिर्फ हाइलाइट्स होंगी, तो इसलिए मैंने किया। और अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस शोल्डर के ऊपर हाइलाइट्स बनाना शुरू करते हैं, जो कि सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इसी एक्सपोजर वाली लेयर के ऊपर आ रहा हूँ,
यहाँ मैं ह्यू और सैचुरेशन ले रहा हूँ, इसको मैं क्लिपिंग मास्क कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको एक छोटा सा आइकन यहाँ देखेंगे कलराइज का ऑप्शन, इसको मैं चेक कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे इस पर कलर आ गया। अब इसको मैं अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ लाइटनेस वगैरह, जो कि मुझे सन के कलर का थोड़ा सा करना है, तो मैं इसको देखूँगा, तो मेरे को लगता है ये ठीक है। ओके, और सिमिलरली इस मास्क को सेलेक्ट करके कंट्रोल आई प्रेस करूँगा जिससे मास्क इन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ ब्रश लेके, तो अभी मेरे को क्या करना है, जो एजिज हैं सारी, इन एजिज पे ये वाला हाईलाइट देना है, ऐसा लगे कि सूरज की जो लाइट्स आ रही है वो इसके ऊपर पड़ रही है, सब्जेक्ट के ऊपर। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ, और इसका फ्लो मैं बढ़ा देता हूँ, क्योंकि भी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इससे। फ्लो को हिसाब से रखना है, कम पे रखो, जिससे आप स्मूथली इस पे पेंट कर सकते हो। तो मैं बाकी यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आइडिया लग गया होगा कि मैंने कैसे लेके किया है, बस आपको पेंट करना है एजेस पे, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। तो ये मैंने रफली एक हाईलाइट क्रिएट कर लिया, जो कि आप देख सकते होंगे, और ये एक साइड से आ रही है और थोड़ी सी एजेस में भी है, क्योंकि ऑब्वियसली साइड लाइट साइड में भी दिखेगी। तो ये हमारी एक हाईलाइट क्रिएट हो गई है। अभी मैं क्या करूँगा कि जो हमारी बेस वाली लेयर है इस पर भी हमें यही वाला जो हमने हाईलाइट डाली है ह्यू एंड सैचुरेशन की, यही डालनी है हमें। तो मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकता हूँ, ब्राइट और डाउन कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है ठीक है। तो मैं इसी लेयर को कंट्रोल जैसे कॉपी करूँगा, और मैं ये लेयर ले आता हूँ इसके नीचे जो अपना बेस वाला लेयर है, और मैं यहाँ पे इसको ऑल्ट डिलीट प्रेस करूँगा, इससे ये इस पर आ जाएगा पूरा, वापस से फिल हो जाएगा लेयर। यहाँ मैं डबल क्लिक करूँगा राइट साइड पे, जैसे ये ब्लेंडिंग ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ ट्राई करूँगा, तो अब मैं यहाँ पर आप देखेंगे अंडरलाइन लेयर है जिसमें ये डार्क वाला है पार्ट, जिसमें लेफ्ट साइड वाला है, इसको मैं क्या करूँगा ऑल्ट प्रेस करके ब्रेक कर लूँगा, जिससे ये हैंडल्स ब्रेक हो जाएंगे, और मैं इसको कुछ इस तरह से लेके आऊँगा, ठीक है, राइट साइड लेके आऊँगा कुछ इस तरह से। ओके, अब हमको ये डार्क चाहिए, तो मैं इसको कंट्रोल आई कर रहा हूँ, इन्वर्ट कर रहा हूँ, और फिर से ब्रश पे जाके यहाँ जस्ट हल्का हल्का यहाँ पेंट कर दे रहा हूँ एजिस पे, क्योंकि जब ऊपर से लाइट आ रही है तो एजिस पे भी होनी चाहिए। जस्ट मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। अब यहाँ मैं थोड़ा सा शेडो सही करूँगा, तो मैं इसी शोल्डर के लेयर के ऊपर जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं फिर से एक एक्सपोजर ले ले रहा हूँ, तो मैं डार्क कर रहा हूँ, कंट्रोल आई कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं ब्रश से ये जो एजिस है इसको डार्क कर लेता हूँ। सिमिलरली जो हमने
इसके नीचे बनाई थी, इसकी मैं एक और कॉपी ले रहा हूँ और फिर से इसको क्लिक कर लेता हूँ ऑल्ट डिलीट से। ये मैं डार्क कर लेता हूँ, इसको पूरा फिल कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं और डार्क करूँगा या इस तरह से। मैं इसको इन्वर्ट करूँगा, ब्रश ले रहा हूँ और मैं ब्रश में इस बार थोड़ा सा हार्ड वाला ब्रश ले लेता हूँ, बहुत हल्का हल्का कुछ इस तरह से यहाँ पे। तो यहाँ तक ये हो चुका है। अब क्या करना है, जो फाइटर जेट्स हैं इन पे मैं जा रहा हूँ और इन पे भी ये हाइलाइट्स होनी चाहिए क्योंकि इस पे भी ये जो सन की जो रोशनी है वो पड़ रही है। तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ एक कॉपी करके, तो मैं इनको क्लिप कर लेता हूँ इस ग्रुप में इन्हीं हाईलाइट को। अब मैं ऑल्ट डिलीट प्रेस करूँगा जिससे ये लेयर पूरा ब्लैंक हो जाएगा, जिससे फिल हो जाएगा लेयर। और मैं यहाँ पे इसको सॉफ्ट ब्रश लेके जस्ट यहाँ एजेस पे भी बना देता हूँ हाईलाइट्स। और मुझे लग रहा है कि गॉशियन ब्लर कुछ ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा मैं इसको कम कर लेता हूँ। मुझे लगता है ये हाईलाइट ठीक रहेंगी। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे ऊपर जा रहा हूँ, फिर से एक सॉलिड कलर ले रहा हूँ। सॉलिड कलर लेके मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ और इसको मैं ऐड टू लीनियर डोज कर लेता हूँ। इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इसका चेंज करके इसको मैं कंट्रोल आई से इन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैं फिर से ब्रश ले रहा हूँ, तो ब्रश लिया मैंने, थोड़ा बड़ा कर लिया और ब्रश में से मैं इसका जो फ्लो है करीब 6 to 8% रख लेता हूँ और मैं यहाँ हल्का हल्का ग्लो देता हूँ, बहुत सटल सा। आप देखेंगे ना ये इसके ऊपर भी आना चाहिए थोड़ा सा। तो ये अच्छा सा इसके ऊपर भी ग्लो आ गया क्योंकि ये सही लग रहा है। ओके, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ जो कि टाइटल दे देता हूँ एक, तो टाइटल मैं कुछ लिख लेता हूँ। और इसके लिए जो मैं फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है फ्यूरोर करके कोई फॉन्ट है, मैं ये ले लेता हूँ और इसका मैं लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, मैं जस्ट एक नॉर्मल शेप ले लेता हूँ तो कुछ इस तरह से क्रिएट कर लेता हूँ। और मैं इन सब को ब्लैक कर लेता हूँ और ये इन सब टेक्स्ट को ग्रुप भी कर लेता हूँ। ग्रुप में मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाके बेवल एंड इम्बोस पे जाके सिंपली यहाँ रीसेट टू डिफॉल्ट कर देता हूँ। जस्ट आप देखेंगे एजिस पे बम्प आ गया और ये ठीक लगेगा। ओके, अब यहाँ पे मैं क्रेडिट्स लिख देता हूँ, बट क्रेडिट्स मेरे को अब ये ओरिजिनल तो है नहीं किसी के लिए, तो जस्ट मैंने इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया ये जस्ट डमी क्रेडिट्स। मैं इसको जस्ट ऐसे ही कलर कर लेता हूँ, कलर वाले पर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरह से ब्लैक। ओके, और मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ हम कर चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इन सब सारी लेयर को मर्ज करके उसके ऊपर कैमरा रॉ फिल्टर ऐड करना है जो कि फोटोशॉप का एक अच्छा सा फिल्टर है और उसमें काफ़ी चीज़ें हम उसमें चेंज कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं सारी लेयर को मर्ज करने का, एक तो है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट और ई प्रेस करेंगे जिससे देखेंगे सारी लेयर सिंगल लेयर दे देता है सारी लेयर को मर्ज करके। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना है सब कुछ, यहाँ एडिट पे जाना है, कॉपी मर्ज पे जाना है, फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना, तो ये सेम चीज़ हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक करूँगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ और जा रहा हूँ फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर। अब यहाँ थोड़ा सा फाइनल एडिट हमें करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक से। तो ये मैं बेसिक्स पे गया, हल्का हल्का सा मैं यहाँ पे
ट्राई करूँगा चीज़ों को, और यहाँ टेक्सचर और क्लियरिटी मैं बढ़ा रहा हूँ, यहाँ डिटेल पे जाके जो मैं नॉइस रिडक्शन को बढ़ा रहा हूँ और कलर रिडक्शन को, तो आप देखोगे अच्छा सा एक ये आ गया। और मैं इसको चाहूँ तो शार्प भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा शार्पनेस दे सकता हूँ। ओके ये ठीक रहा। अब मैं यहाँ पे कलर ग्रेडिंग पे आ गया, यहाँ पे आप देखेंगे मिड टोन, शेडो और हाईलाइट। तो थोड़ा सा मिड टोन जो है मैं ग्रीन की तरफ लेके जाऊँगा बहुत हल्का सा, शेडोज़ भी मैं उसी की तरफ ही लेके जाऊँगा थोड़ा सा, और ये हाईलाइट्स भी मैं थोड़ा सा मिलता जुलता उसी के साथ ही लेके जा रहा हूँ। तो मेरे को लगता है ठीक है, मैं इसको ओके कर लेता हूँ और ये अच्छा सा इसमें भी आ गया। ऑलराइट, तो ये हमने बना लिया एक मूवी पोस्टर। मुझे लगता है कि हाईलाइट थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी। बाकी सारी फाइल्स जो मैंने यूज़ करी हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।